सियासी वो है, सियासी बोने और सियासी जो बस इसमें इन्वॉल्व हो रही है कि सियासत में किसी इसको किसी तरह मीडिया ट्रायल हो, लेकिन इंशाल्लाह हम फेस करेंगे। तो मुझे तो आज हैरानी हुई यहाँ पे कि अगर इसको प्रेशराइज करना या सियासत में लेके आना और इस तरह उठा के लेके आना बैनर लेना, तो ये तो कोई मसला नहीं। इतना तो मेरे हालांकि फजल है, हज़ारों लाखों सपोर्टर्स हैं, वो आने को तैयार हैं, तो फिर मैं भी क्या करूँगा, ले आऊँगा, ऐसी बात कोई नहीं है। ये सारे सियासी मुखालफिन थे आज जमा हुए और चंद लोग जो हैं वो उन्होंने एक सियासत की यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि उसको हम मुसब्बत करते हैं और अपने सपोर्टरों को भी मैं तलकिन करता हूँ, अपने दोस्तों को, भाइयों को, वोटरों को, कि वो भी पुरमर रहे कि हमने फेस करना है और हमें इंशाल्लाह कानून पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा मलिक ताहिर इकबाल और सरदार गुल नवाज कत्ल केस में आज एबटाबाद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPA फैसल जमान दौरे कत्ल केस में पेश हुए। कुछ रोज़ कबल फैसल जमान ने अदालत से जमानत कबलस गिरफ्तारी करवाई थी। आज फैसल जमान के पेशी पर कत्ल होने वाले वारसान का भरपूर एहतजाज और नारेबाजी और कशीदा हालात को देखते हुए इंतजामिया की ज़बरदस्त हिकमत हमली फैसल जमान को अदालत के अकब के दरवाजे से बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया। आइंदा तारीख पेशी 4 जनवरी 2021 मुकर्रर कर दी गई। हज़ारा वन TV से हाजी सदीक जई अवान कैमरामैन वसीम अवान के साथ। फांसी दो कातिलों को, फांसी दो फैसल को, फांसी दो कातिलों को, फांसी दो कातिलों को, फांसी दो।